निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करो, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो, उसके बाद हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर 11 है, दो अंक है तो यहां पर दो तक जा रहे हैं, यहां पर भी दो अंक है तो यहां पर भी दो तक जा रहे हैं, यहां पर एक एक तीन बार हो गया, हम कहां तक जा रहे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, इधर से भी एक दो तीन, इधर से भी एक दो तीन। तो पैटर्न को अच्छे से रीड करना है। यहां पर एक जीरो था तो सबके बीच में एक एक जीरो आ रहा था, अब यहां पर भी एक जीरो, यहां पर भी एक जीरो आएगा। अब यहां पर आपके एक के कितनी बार था, तीन बार था, तो हम कहां तक गए, तीन तक गए, तीन तक जाने के बाद वापस से डाउन। अब यहां पर देखो एक एक कितनी बार है, एक एक कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार है, तो हमें यहां पर चार तक जाना है। हम क्या करने वाले हैं, यहां पर चार तक जाएंगे, एक दो तीन और चार। जैसे यहां पर तीन बार था तो तीन तक जाने के बाद वापस से डाउन आना है, इधर भी ऐसे चार तक है ना, एक दो तीन चार, वापस डाउन आएंगे, तीन दो और एक, एक से गए चार तक, चार से आए वापस एक तक, ऐसे ऊपर जाकर वापस से नीचे आना है। अब यहां पर देखो बीच बीच में जीरो था तो यहां पर भी हमने क्या लगाया, एक एक जीरो लगाया। अब यहां पर भी आपके एक एक जीरो है तो इनके बीच में भी लगाएंगे एक एक जीरो, एक जीरो यहां पर भी, एक जीरो यहां पर भी, एक जीरो यहां पर भी, एक यहां पर भी और एक यहां पर भी। इससे बाहर नहीं लगाना है, एक के अंदर और इस एक के अंदर। अब देखो यहां पर हम चार तक गए और यहां पर कहां तक गए हुए, पांच तक, यहां पर कहां तक गए हुए, पांच तक गए हुए। इसका मतलब यहां पर देखो चार तक गए हुए थे तो हमने ये चार बार लिखा, अब ये पांच तक गया हुआ हमें लिखना है पांच बार, एक दो तीन चार और पांच। अब इसके बीच में जीरो है तो यहां पर भी क्या लगाओ, जीरो लगाओ, एक जीरो यहां पर भी, एक जीरो यहां पर भी, एक यहां पर भी, एक यहां पर भी, एक दो तीन चार पांच सिंगल है, पांच है तो बीच में चार जीरो है, इधर चार लाइन थी तो तीन जीरो थे, इधर तीन लाइन थी तो दो जीरो थे, दो लाइन है तो बीच में एक जीरो है, ऐसे यहां पर बीच में लगाना है जीरो जीरो। तो आपको पैटर्न को अच्छे से समझना है, उसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।